गाइस, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक या चैप्टर एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन IMSA। ठीक है, ये छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट इस वजह से बिकॉज आपकी दूर की नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने के मसाइले वो सारी इसी चैप्टर में डील होते हैं और उनके बारे में ऑफकोर्स सी बात है इतना कॉमन सा इशू है तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज एज अ डॉक्टर एवरी वन एक्सपेक्ट्स के आपको आता होगा। ठीक है, अच्छा तो आपको एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन क्या होता है हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी में एक दफ़ा कि जब भी कोई भी चीज़ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है। जिसमें हमने जैसे पढ़ा था कि लाइट जाती है, सपोज वो पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी और ये ग्लास है, ग्लास में ट्रेवल जाएगी तो वो अगर पहले इस तरह मूव करती हुई आ रही तो फिर उसका पाथवे इस तरह हो जाएगा, जब वो दोबारा ग्लास से बाहर निकलेगी तो फिर उसका पाथवे इस तरह हो जाएगा। लाइक हमेशा जब भी कोई एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, लाइट स्पेशली जो चीज़ जाहिर सी बात है उस मीडियम से गुजरने के काबिल होगी वही रिफ्रैक्ट होगी ना, तो दिस इज़ रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास नॉर्मली हमारी आई में क्या होता है, आपको पता है हमारी ऐसे करके जब आई बॉल है, ठीक है, उसमें आगे आपके कॉर्निया ये है ना, यहाँ पर आपका ये आपका कॉर्निया है, ठीक है, यहाँ पर आपका लेंस पड़ा हुआ है और पीछे आपका ये रेटिना का सारा पोर्शन है। रेटिना में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, ठीक है, रेटिना मैं पढ़ाऊंगी आपको तो उसको डिटेल में बताऊंगी। आप ये अपना याद रखेंगे फोविया सेंट्रलिस वो पॉइंट है जिसमें सबसे क्लियर इमेज बनती है, ठीक है, पूरे रेटिना में से जो क्लियरेस्ट इमेज होती है क्योंकि इसमें डेंसली पैक्ड कोन्स होती हैं, वो होता है कोन्स एंड रॉड्स जो है हमारे विजुअल पिगमेंट्स हैं, तो इसमें डेंसली पैक्ड कोन्स होती हैं जिसकी वजह से क्लियरेस्ट इमेज बनती है एट फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या तीन चीज़ें जो है इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कॉर्निया है, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन आपको पता है कि ये भी कर्व्ड होता है और ये भी रिफ्रैक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ होती है लेंस, तो कॉर्निया जो है हमारा वो भी कंट्रीब्यूट करता है इन द रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब लाइट रेज एंटर होती है तो कुछ कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होती है। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास लेंस। ठीक है, अब आपको पता है कि उसके बाद ये एक और भी वैसे तो जनरल बात करते हैं, चलिए लेंस आ गया हमारा। लेंस में आपको पता है कर्वेचर पर डिपेंड करता है कि कितनी लाइट रेज रिफ्रैक्ट होगी और लेंस जुड़ा हुआ है जोनुलर फाइबर्स के साथ यहाँ पर पीछे सेलरी बॉडी के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो सेलरी बॉडी है वो ये बताती है कि लेंस ने कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है और कितना मोटा होना है, ऐसे होगा तो फैट लेंस होगा और ऐसे करके होगा तो पतला लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेलरी बॉडी डिटरमिन करती है कि उसको कितना पतला और कितना मोटा करना है डिपेंडिंग अपॉन द नीड। उसके बाद फिर हमारे पास जो अगली चीज़ है जाके वो लाइट रेज अब इधर दोनों से गुजर के जाएंगे फिर तो वो डेफिनेटली जाके फोकस हो जाएंगे ऑन द रेटिना। तो हमारे पास जो तीसरी चीज़ है कि हमारी जो लेंथ ऑफ द आई बॉल है जिसको हम एक्सियल लेंथ कहते हैं, एक्सियल लेंथ इज द लेंथ जो सेंटर ऑफ कॉर्निया से फोविया सेंट्रलिस के दरमियान जो आई की लेंथ होती है आपकी आई बॉल की, उसको हम कहते हैं एक्सियल लेंथ। तो एक्सियल लेंथ ऑफ आई बॉल भी नॉर्मल जब होगी तभी जाके हमारी जो लाइट रेज हैं वो एग्जैक्टली फोकस होंगी ऑन द फोविया तो या फिर रेटिना पे, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल इमेज बनेगी। अब ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि इमेज कितनी नॉर्मल बनी। फिर हमारे पास एक एकोमोडेशन का मैकेनिज्म होता है, एक तो ये है कि लेंस भी फैट और थिक और थिन हो जाते हैं, दूसरा आपको पता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी लाइट रेज कितनी एंटर हो तो हमारा जो आयरिस है, आयरिस में दो मसल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर प्यूपिली एंड डायलेटर प्यूपिली। बिकॉज आपको पता है ना कि आयरिस अगर करीब आ जाएंगे तो आपका प्यूपिल का एपर्चर छोटा हो जाएगा और अगर आयरिस दूर चला जाएगा तो आपका प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आयरिस के दो मसल्स होते हैं स्फिंक्टर प्यूपिली एंड डायलेटर प्यूपिली, जो दोनों के दोनों कंट्रोल कर रहे होते हैं प्यूपिल के एपर्चर को। प्यूपिल का एपर्चर ये फिर डिपेंड करता है इस पर कि आपकी कितनी लाइट रेस आपके आई के अंदर एंटर हो रही है। ठीक है, तो आपने ये बातें अपने जहन में रखनी कि कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कर्वेचर ऑफ द लेंस, ये दोनों चीज़ें आपकी एक तो कर्व्ड है और दूसरा रिफ्रैक्शन दे रही हैं और एक्सियल लेंथ ऑफ द आई बॉल जो है वो बता रही है कि आइदर लाइट रेज जो है फोकस नॉर्मल जगह पे जाके होंगी या नहीं। ठीक है, और उसके बाद जो दो चीज़ें उसको असिस्ट कर रही हैं वो एक हमारा प्यूपिल का एपर्चर है, दूसरा हमारा लेंस है। ठीक है, यानी लेंस की, लेंस में जो एकोमोडेशन का मैकेनिज्म है और एकोमोडेशन का मैकेनिज्म किससे कंट्रोल हो रहा है, सेलरी बॉडी से। अगर हम सेलरी बॉडी के इस एकोमोडेशन के मैकेनिज्म का पैरालाइज कर दें या उसको ख़त्म कर दें थोड़ी देर के लिए उसको रोक दें तो उस कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लोप्लीजिया। आपने पढ़ा होगा कि एट्रोपीन देते हैं, तो एट्रोपीन जो है वो इट इज़ अ साइक्लोप्लीजिक ड्रग बिकॉज उसकी वजह से एकोमोडेशन यानी लेंस का फैट और थिक होना खत्म हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। अब हमारे पास एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन कब आ सकते हैं, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन तब आएंगे
या तो हमारे रिफ्रैक्टिव एरिया में कोई मसला हो, यानी या तो कॉर्निया की, या तो कॉर्निया की रिफ्रैक्शन खराब होगी, या रिफ्रैक्शन कैसे खराब होगी, रिफ्रैक्शन डिपेंड करती है उसके अंदर पड़े हुए मटेरियल पे, या यानी उसके जो स्ट्रोमा के सारे फाइबर्स हैं उन पे, या तो लेंस के अंदर जो कॉर्टिकल फाइबर्स हैं वो लेंस की रिफ्रैक्शन डिटर्मिन करें, अगर वो फाइबर्स खराब हो गए तो लेंस में रिफ्रैक्शन का मसला हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में अगर फाइबर्स का इशू हो रहा है, या कॉर्निया में चाहे लेंस में, तो ये दोनों जो है वो रिफ्रैक्शन को डिस्टर्ब करेंगे। दूसरी चीज़ है इनका जो कर्वेचर है, इनकी थिकनेस है, जाहिर है एक चीज़ जो इतनी थिक होगी वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी, एक चीज़ जो इतनी थिन होगी वो कम रिफ्रैक्ट करेगी। तो कर्वेचर भी अगर डिस्टर्ब होता है इनका नॉर्मल से, तो वो भी आपकी आई की जो लाइट रेज है उसमें रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम कर सकते। तो तीसरी चीज़ जो है वो लेंथ ऑफ द आई बॉल, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, ज़रूरत से ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो ये भी रिफ्रैक्शन को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये बातें आपकी होगी। तो हमारे पास एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन तीन मेजर मसाइल की वजह से पैदा होते हैं। अब हमारे पास इमेट्रोपिया क्या होती है? इमेट्रोपिया मीन्स कि अगर हमारी एक जो नॉर्मल विजन होती है, बेसिकली उसको आप इमेट्रोपिया कहते हैं, कि आपकी आई बॉल थी और कोई एकोमोडेशन नहीं हुई हुई, एकोमोडेशन बिल्कुल रेस्ट पे है, यानी आप समझे कि साइक्लोप्लीजिया हुआ है, एकोमोडेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं हो रहा, और लाइट रेज आ रही हैं वो इधर से रिफ्रैक्ट हुई हैं जितनी भी हुई हैं, और उसके बाद वो सेंटर ऑफ द रेटना पे क्लियरली जाके फोकस हो गई है, लाइक बिल्कुल जो 6x6 विजन जिसे हम कहते हैं ना, वो आपकी होती है इमेट्रोपिया, या फिर इमेट्रोपिक आई जो बिल्कुल ठीक है, जिसमें एकोमोडेशन रेस्ट पे होने के बावजूद लाइट रेज जाके आराम से फोकस हो गई है। तो दिस इज द आइडियल कंडीशन। एमेट्रोपिया क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस नॉर्मल मैकेनिज्म में खलल डाल दे, यानी अब लाइट रेज आ रही हैं और एकोमोडेशन अभी भी रेस्ट पे है, एकोमोडेशन नहीं हो रही, लेकिन अब लाइट रेज रेटिना पे आके फोकस नहीं हो रही, या तो उसके सामने फोकस हो जाएंगी या फिर उसके पीछे फोकस हो जाएंगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं एमेट्रोपिया, ठीक है। कोई भी तरह का मसला होता है, फिर एमेट्रोपिया की सारी टाइप्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। पहली टाइप होती है इसकी हाइपरमेट्रोपिया, जो आपने पढ़ा हुआ अभी पहले की वाली सारी बातें। हाइपरमेट्रोपिया होता है का मतलब होता है जिनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, जिसको हम लोग नॉर्मली फार साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है जी। फार साइटेडनेस का मतलब है कि दूर ठीक नज़र आ रहा है लेकिन नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर दूसरी चीज़ होती है मायोपिया, मायोपिया का मतलब है कि आपको दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर है और दूर नज़र नहीं आता, जबकि आपकी करीब की नज़र ठीक है, जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने नामों को भी कन्फ्यूज़ नहीं करना, ये बहुत आसान सी चीज़ें, आपके मुफ्त के मार्क्स होते हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, इनको आपने लूज़ नहीं करना होता, ठीक है। और तीसरी चीज़ हो सकती है आपकी एस्टिगमेटिज्म। एस्टिगमेटिज्म में बेसिकली आपका, आप समझ लें कि कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इस तरह से ख़राब हो जाता है कि आपकी नियर और फार दोनों विजन ख़राब होती है, नियर प्लस फार विजन, ठीक है, वो होता है आपका एस्टिगमेटिज्म। ये भी आपको अलग से, तीनों की डिटेल हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एमेट्रोपिया, यानी नॉर्मल विजन ना होना। सो आपका ये जनरल ओवरव्यू मैंने दे दिया, अब नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अभी तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी, थैंक।